समझो ना जरा तुम मौसम का इशारा ऐसे तो। हेलो नमस्ते प्रणाम, कैसे हैं आप सब। मैं शांति स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है शांति की लाइफस्टाइल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सावन आ गया है, तो आप सभी को सावन मतलब आने में एक दो दिन बाकी है, तो बहुत सारी शुभकामनाएं। और हरी हरी साड़ियों के साथ ये मैं आप सबके साथ एक मेकअप वीडियो शेयर कर रही हूँ, जो कि अगर आप सावन में आपके यहाँ पे, क्योंकि इसमें बहुत सारे पूजा होते हैं, घर में पार्टी फंक्शन होते हैं, तो आप लोग जो है वो इस तरीके से मेकअप कर सकते हैं। और मैं आज आप सबके साथ एक अलग आई मेकअप शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं खुद ही इसको बहुत टाइम के बाद में इस वाले मेकअप को ट्राई कर रही हूँ। तो आपको लेना है कंसीलर, और कंसीलर को कुछ इस तरीके से अपने आँखों पे अप्लाई कर लेना है। और हम कंसीलर के साथ में एक मेकअप लुक क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने अच्छे से कंसीलर लगा लिया हुआ है, और इसको ना हम सूखने देंगे, मतलब थोड़ा सा हम टाइम लेंगे और टाइम लेके ना यहाँ पे सूखने देंगे इसको। फिर ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से थोड़ा थोड़ा इसको ना हम बराबर यहाँ पे सेट कर लेंगे। और ये कंसीलर वाला आई मेकअप है, तो थोड़ा सा ये अलग होगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया हुआ है क्रीम, जो कि है स्विस ब्यूटी का, और उसको मैंने अच्छे तरीके से पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया हुआ है। और ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं अच्छे तरीके से इसको टैप टैप करके ब्लेंड कर लूं। और पीछे आपको थोड़ा सा गाने वगैरह की आवाज़ आएगी, तो वो जानबूझ के मेरी बहन जो है वो डिस्टर्ब कर रही है मेरे को, तो उसको अवॉइड करिएगा। फिर मैं यहाँ पे अच्छे तरीके से, सबसे पहले मैं जब तक ना सूखेगा यहाँ पे हमारा कंसीलर, तब तक हम अपना फेस मेकअप जो है बेस तैयार कर लेंगे अपने फेस पे। और यहाँ पे मैंने लिया है लूज़ पाउडर, और उसकी हेल्प से मैं अच्छे तरीके से सेट कर लूँगी। और लूज़ पाउडर मैं पूरे फेस पे भी अप्लाई करूँगी, जिससे कि हमारा बेस, क्रीमी बेस जो है वो थोड़ा सा सेट हो जाए और थोड़ा सा ना ड्राई हो जाए। अभी मैंने यहाँ पे हाथ से लगाया तो थोड़ा सा ज़्यादा लग गया। अभी ब्रश की हेल्प से हम अच्छे तरीके से इसको मतलब जितना भी एक्स्ट्रा हमारा पाउडर है उसको हम लोग कम कर लेंगे। और अब बारी आ रही थी यहाँ पे, देखिए मैं ना, मुझे बहुत पेन हो रहा था, बहुत पेन हो रहा था सर्वाइकल, तो मैं कभी ऐसे बैठ जा रही थी, कभी दोनों पैर नीचे कर रही थी, कभी ऊपर कर रही थी, तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी, क्योंकि मुझे बहुत पेन हो रहा था, लेकिन फिर भी मेरा काम मुझे बहुत प्यारा है। तो यहाँ पर मैंने लिया हुआ है ग्रीन कलर, जो कि मेरी साड़ी से एकदम मैच कर रहा था। उसको जब मैंने इस कंसीलर के ऊपर अप्लाई करना स्टार्ट किया, तो वाओ, मतलब कि इतने इजीली और इतने अच्छे तरीके से ये मतलब अप्लाई हो रहा था कि मैं क्या बताऊं, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर लगाया हुआ है, ग्रीन आई शेडो मतलब लिया हुआ है, और इसको हम ब्लेंड करते जाएंगे। ऐसा नहीं कि हम ब्लेंडिंग नहीं करने वाले हैं, ब्लेंडिंग ना आई मेकअप पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से आपको मतलब, ये मैंने आई शेडो जो है वो हुडा ब्यूटी का लिया हुआ है, और जिनके लिंक मतलब मुझे मिल जाएंगे ना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी मेकअप प्रोडक्ट की। और अब मैंने यहाँ पे लिया हुआ है गोल्डन कलर, क्योंकि मेरी साड़ी में ग्रीन के साथ में गोल्डन कलर भी है, एंड मैंने ब्लाउज़ भी गोल्डन कलर की ही पहनी हुई है, तो इसीलिए ये आई मेकअप बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। किसी भी फंक्शन में आप कर सकती हैं, और आप अपने बहुत सारे पैसे बचा सकती हैं, क्योंकि पार्लर में ना सिंपल मेकअप लुक 2500-3000 होता है। अगर आप थोड़ा सा आई मेकअप करवा लीजिए, थोड़ा सा हेयर स्टाइल बनवा लीजिए, तो फिर 5-6 हज़ार रुपये तो आपको ऐसे ही चले जाते हैं। फिर हम लेंगे ग्रीन कलर और आई शेडो, और उसकी हेल्प से हम अच्छे तरीके से ब्लेंड करेंगे। तो यहाँ पे मेरा आई मेकअप जो है वो कंप्लीट हो चुका था। फिर मैंने यहाँ पे अपनी आईब्रो, उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ है आईब्रो पैलेट, जिसमें से मैंने लिया हुआ है डार्क ब्राउन कलर, और उसकी हेल्प से मैं अच्छे तरीके से इवन अपनी दोनों आईब्रो को सेट कर लूँगी। और फिर यहाँ पे देखिए, ब्रश की हेल्प से मैंने ना, ये काफ़ी टाइम पहले से मैं यूज़ कर रही हूँ, आपने मेरे हर वीडियो में यही वाला ब्रो किट आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि मैं यही ही यूज़ करती हूँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जिससे से मेरा मेकअप आगे बढ़ रहा था, मेरा फेस मुझे अच्छा लग रहा था, और मैं इसे मुँह बना रही थी, क्योंकि मेरे को पेन हो रहा था, बैठा ही नहीं जा रहा था, मेरी तबीयत उस दिन बहुत ख़राब थी, मुझे बुखार था, लेकिन फिर भी मुझे ये वीडियो शूट करना था। तो मैं अच्छे अच्छे वीडियो ले आती हूँ आप लोगों को, इसका मतलब ये है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर और कमेंट करना है, ताकि मेरी मेहनत थोड़ी सी मैं मोटिवेट हो सकूँ और अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आऊँ।
अपने आईब्रो को साफ करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ है कंसीलर, और उसकी हेल्प से इस तरीके से हम लगाएंगे और फिंगर की हेल्प से अच्छे तरीके से सेट करेंगे, जिससे कि देखिएगा हमारा आई मेकअप जो है वो और ज़्यादा खूबसूरत और निखर के आएगा। और मतलब एक जो ये लुक है ना, ये हमारी आईब्रोज है वो बहुत शार्प, बहुत अच्छी हम मतलब लगने लगेगी। और मैंने इसको इस प्रक्रिया में आपको थोड़ा सा टाइम देना है, मतलब ब्लेंडिंग जब भी आप करें ना, चाहे आप कंसीलर लगा रहे हैं, फाउंडेशन लगाते हैं, या फिर आई अपना जो है वो आई मेकअप ब्लेंड करते हैं, तो थोड़ा सा टाइम दे, ऐसे घबराहट में चीज़ें नहीं होती हैं। ये वीडियो ना 20 मिनट की है, बट फिर भी मैंने आपको 8 मिनट इसलिए इसको भगा भगा के मतलब थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में किया, ताकि आप लोग बोर ना हो और ईज़िली आपको समझ में भी आ जाए। अभी मैंने लाइनर लिया हुआ है और लाइनर मैं ज़रूर लगाऊंगी, आप लोग काजल भी ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि काजल जो है वो तीज त्योहारों में आँखों में बड़ा प्यारा लगता है, बट मैं नहीं लगाती हूँ, मेरे आँखों में फटाक से इन्फेक्शन हो जाता है। लाइनर से भी हो जाता है ऐसा नहीं कहूँगी, लेकिन लाइनर थोड़ा आँखों के ऊपरी सतह पे होती है ना, मतलब पलकों के ऊपर से तो नहीं, लेकिन मैं जैसे काजल लगाती हूँ ना, तो वो तुरंत मेरे आँखों के टच में आता है और वो तुरंत हो जाता है, तो इसलिए मैं अवॉइड कर रही हूँ, लेकिन आप लोग काजल ज़रूर लगा लीजिएगा। और अब बारी थी यहाँ पर कॉन्टोर करने की, तो मैंने स्विस ब्यूटी के पैलेट से लिया हुआ है कॉन्टोरिंग और कॉन्टोरिंग पाउडर, और उसकी हेल्प से मैंने यहाँ पे कॉन्टोरिंग कंप्लीट की। और फिर देन मैंने उसी पैलेट से लिया हुआ है थोड़ा सा ये माफ़ करिएगा, मैंने उसी का मतलब कि स्विस ब्यूटी के पैलेट से यहाँ पे ब्लश लिया हुआ है, और उसकी हेल्प से मैं यहाँ पे अच्छे तरीके से ब्रश की हेल्प से ब्लश अप्लाई करूँगी। और उसी पैलेट में मतलब एक पैलेट और धमाका है, मैं लूँगी यहाँ पे हाइलाइटर और उसको मैं अच्छे तरीके से अपने चिक पे हाइलाइटर को चिक बोन पे हाइलाइट करूँगी। और ये पैलेट बहुत अच्छा है और इस पर ऑफ़र्स भी हैं, मतलब कि अभी बीच में तो ऐसा ऑफ़र था कि बाय वन गेट वन का ऑफ़र था स्विस ब्यूटी के प्रोडक्ट पे, तब मैंने वीडियो भी शेयर की थी आप सबके साथ। और इनमें से जो भी प्रोडक्ट मुझे मिलेंगे ना, मैं आपको पक्का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ज़रूर दे दूँगी, तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा। और ये मेरे खुद के स्टोर से है, तो आप वहाँ से इसको परचेस कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर हाइलाइटर लिया हुआ है और हाइलाइट किया हुआ है, और देन मैंने इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा वाइट कलर का हाइलाइटर लिया हुआ है और मैंने आई कॉर्नर पे लगाया हुआ है। और ये मेबलिन की लिपस्टिक है, वाओ, मतलब ये मेरी मोस्ट फेवरेट लिपस्टिक है, और अब मैं इसको कठफोरवा लिपस्टिक बोलती हूँ, लगाने के बाद एक अलग ही लगती हुआ। अब तो ये मेकअप थोड़ा सा ट्रेडिशनल मेकअप था, इसीलिए मैंने यहाँ पे रेड लिपस्टिक लगाई, वरना मैंने सोचा था कि मैं कुछ ऐसे मतलब लाइट कलर का सेट यूज़ करूँगी, बट मैं अक्सर लाइट कलर की लिपस्टिक तो मैं बहुत ही ज़्यादा लगाती हूँ, तो यहाँ पे ये लिपस्टिक मैंने लगा लिया हुआ है। और ये लिपस्टिक मेरी मोस्ट फेवरेट लिपस्टिक है, मोस्ट फेवरेट, क्योंकि ये 700 के अराउंड की है और ये कुछ भी मैं कर लूँ ना, मेरी लिपस्टिक ये निकलती नहीं। तो यहाँ पे मैंने चूड़ा डाल लिया हुआ है और मैंने मंगलसूत्र डाल लिया हुआ है और साथ में इयररिंग पहन ली है, और ये रहा मेरा पूरा फाइनल मेकअप लुक। यहाँ पे मैंने बालों में गजरा लगाया हुआ है, तो कैसी लग रही हूँ कमेंट करके बताइएगा, मिलते हैं।